को राम राम। और आज का जो आप लोग सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप है स्पेशल रायगढ़ एरिया के लिए, सारंगढ़ के लिए, जहाँ से शिव पटेल जो कि हमारे पास आए और उनका डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये जो सेटअप है ये हमने उनके लिए रेडी किया है। ये हमारे शिव भाई आ रहे हैं हमारे पास में, अब देखेंगे। ये सेटअप जो है भाई का कहना है कि पूरा ब्लैक होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने इसका नाम भी दिया है इस बेस का भालू बेस। ब्लू बेस नहीं है, ये भालू बेस है। आप लोग समझेंगे जो समझेंगे। भालू बेस का रीजंस है क्योंकि ये कंबल में पूरे, तो ये उसके अकॉर्डिंग फुल्ली ब्लैक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों इसको नाम दिया है। इस सेटअप में हम लोग इसका क्या प्राइस होने वाला है सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखेंगे आप लोग यहाँ से इनका जो प्रोसेस है, हम लोग किस टाइप से इसको वर्क किए हैं, सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग उनको करके दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे ये एंगल कटिंग काम चल रहा है, क्योंकि गाड़ी का फिटिंग पूरा करके हमको देना था। गाड़ी में एंगल किस टाइप से लगाए हैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बहुत से भाइयों को क्वेरीज रहता है, भाई हमको क्या है एंगल कैसे आप बनाते हो, कैसे आप एंगल का फिटिंग करते हो, वो दिखाओ। तो ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्डिंग करके हम लोग आपको शो करा रहे हैं इसमें, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लोग का वेल्डिंग का काम चल रहा है कटिंग मेजरमेंट के साथ में, ठीक है। जिन भाइयों को इस टाइप का रहेगा तो हम मेजरमेंट के साथ में आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये देखिए किस टाइप से वेल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं, कुछ एंगल जो हमारा है, जो डीजल इंजन लोडिंग के एंगल है, इस टाइप से बन रहा है। काफ़ी तगड़ा हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग के साथ में बना रहे हैं। इसमें आप लोग 12 बेस, 14 बेस, 18 बेस जो लोड करना है कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और पूरा फिनिशिंग के साथ बना रहा है। और इसको लास्ट में जो भी रहेगा जिस टाइप का हम लोग समझ पाए, लेकिन यहाँ पर पूरा वेल्डिंग पिघलने तक का पोजिशन तक में हम लोग इसको वेल्डिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं काम चलाओ, बहुत से लोग क्या करते हैं काम चलाओ बना देते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे जो भी भाई वेल्डिंग कर रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से अपना वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग तो अपन नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि ये मजबूती में बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। कभी कोई भाई इस टाइप का रहता है कि कम ज़्यादा लोडिंग है, तो उसके लिए भी पर्याप्त है, ठीक है। ये स्पेशल फॉर 12 बेस के लिए ही बन रहा है, क्योंकि आज भाई का 8 बेस चलेगा तो उसके लिए सफिशियंट है, ठीक है, कोई इशू नहीं होना है। और बाकी इस कटर मशीन के साथ से इसको काटा गया है। ये देखिए किस टाइप से इसका प्रॉपर जॉइंट किया गया है ना, बॉडी के साथ में पूरा अटैचमेंट रखा गया है इसको। ये जॉइंट्स देखेंगे, ये प्रॉपर जॉइंट्स, ये हमारे जो है मशीन वगैरह रखने के लिए भी बनाया गया है इसमें, ठीक है। लोडिंग हमारा जो होगा किस टाइप से होगा उसको भी आप लोग को शो करा रहे हैं। इस टाइप से हमारा एंगल जो है गाड़ी में फिट होगा, देन जो लोड होगा उसको भी हम लोग शो करा रहे हैं आपको किस टाइप से लोड होगा। लोड होने के पश्चात ही दिखाएंगे, क्योंकि लोडिंग का वीडियो करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप से लोडिंग होना है, ठीक है। लोडिंग स्टाइल जिसको अच्छा लगा भाई लाइक करें, शेयर करें, और जो भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। भाई शिव भाई पटेल जो है, मैं आपको एक लाइव वीडियो के माध्यम से बताया था कि भाई हमारे बहुत से एरिए पे घूम चुके हैं डीजे के लिए, बहुत से राज्यों में भी गए हैं, बट उनको कहना है हमको उस लाइक की संतुष्टि नहीं मिल पाया, और भाई का जो डिमांड था उसको हम लोगों ने फुलफिल करने का कोशिश किया है हम लोग। तो भाई का इंटरव्यू भी लेंगे, एक शॉर्ट इंटरव्यू, उसके माध्यम से भी आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में भाई का क्या ओपिनियन कैसा है। और भाई का जो वीडियो है जो घर पहुँचने के बाद में, वो भी वीडियो आप लोग को अगर उनसे रहता है अच्छा तो वो भी आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो भालू बेस जो हम लोग आपको बताया है, इनका हम लोगों ने नाम ही दिया है इसका भालू बेस। ये VKR का हम लोग का भालू बेस रहेगा, ठीक है। ये VKR का भालू बेस हमारा 8 पीस होना है, और ये 4 पीस टॉप होने हैं, और ये 12 HF है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको हम टोटल प्राइस बताने के हैं, तो इसमें मैं भी आपको प्राइस बता दे रहा हूँ। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट जो माउसपैड के साथ में है टोटल का अप्रॉक्स जो गया है 6 लाख के उसमें गया है फ्रेंड्स, ठीक है। केवल सेटअप का, उसमें डीजी और वाहन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि इसका जो प्राइस है 6 लाख रुपए के आसपास का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें आप 10% ऊपर नीचे मान सकते हैं, ठीक है। और सेटअप के अकॉर्डिंग जो रायगढ़ और सारंगढ़ के भाई लोग हैं, इसको विशेष कर आप लोग बताएं कि किस टाइप का है, कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि जो आपके यहाँ सेटअप गया है वो आप लोग ही डिपेंड के अकॉर्डिंग बता सकते हैं सुन के कि हाँ किस टाइप का सेटअप आया है भाई का, ठीक है। और कहीं भी कुछ इस टाइप का है तो हम शिव भाई के साथ में हमेशा खड़े हैं,
ठीक है, बराबर उनके कुछ भी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसमें हम लोग बराबर उनके साथ में हैं, ठीक है। और ये जो सेटअप है फ्रेंड्स, स्पेशल जैसा कि इन लोगों ने डिज़ाइन किया था वैसा ही उनके माइंड में जैसा था उस टाइप के हम लोग उसे प्रोवाइड कराया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो की। ये पटेल भाई के हमारा सेटअप जो है रेडी हो चुका है और पटेल भाई इधर जो ताक झाँक कर रहे हैं अभी देख रहे हैं अपना जिस हिसाब से उन्होंने बताया है उस हिसाब से उनका फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, अब उन्हीं से पूछेंगे, ठीक है। बाकी अभी टेस्टिंग का भी बकाया है तो टेस्टिंग भी अभी होना है तो ये रहेगा, अभी टेस्टिंग करते हैं। बाकी भैया का भी जो भी रहेगा व्यू वो भी आप लोग को इसको वीडियो के माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा, है ना। भाई लोग देखिए मशीन लेके भी आ गए हम लोग के, ये पुराने घर में थे मशीन, ठीक है। तो ये मशीन भी हमारे लोड होने हैं, हमारा काफ़ी अच्छा सहयोग करने में मदद कर रहे हैं यहाँ पे विनोद भाई, ठीक है, रोशन भाई, प्रेम भाई, है ना। तो ये कंप्लीट यहाँ पे होना है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। किस टाइप लोडिंग चाहिए था उस टाइप लोडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, था मेरा है ना, कोई कमी तो नहीं रह गया ना इसमें, नहीं नहीं कोई कमी। बजने में आप कैसा है ये देखना पड़ेगा ना, हाँ वो पता चलेगा घंटे बाद, एक घंटे बाद थोड़ा टेस्टिंग चल रहा है अभी, है ना। भैया का नाम, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम शिव पटेल है, है ना, शिव पटेल, हाँ, टीमर लगा सारंगढ़ से जी। और डीजे का नाम बताइए, डीजे का नाम बताइए, मानाथल नई डीजे के नाम से है मेरा, हाँ, और शॉर्ट में MNDJ जी।